सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आई और सामने बोलते हैं यू। चलिए अब सपोज कीजिए मुझे बोलना है कि आपके पास एक एक बाइसिकल है, हम कैसे बोलेंगे? Right in your copy, you have a bicycle. Write in your copy. Everybody write in your copy. You have a bicycle. अपनी copy में write कीजिए. मुझे बोलना है कि आपके पास एक कार है, कैसे बोलेंगे? You have a car. रोहित सर क्या लिखना है? यू हैव अ कार। यू हैव अ कार तनिका था। आई मेरा सामान भी सर क्या लिखना है? नेक्स्ट सेंटेंस चलिए हम लोग करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, यू हैव अ इंग्लिश कार। मुझे बोलना है कि आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, कैसे बोलेंगे बताइए? यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सेंटेंस राइट कीजिए अपनी कॉपी में, राइट इन योर कॉपी। यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। चलिए अब हम लोग बोल रहे हैं आपके पास एक स्टोरी बुक है। चलिए अब हम कैसे बोलेंगे इसको? आपके पास एक स्टोरी बुक है, यू हैव अ स्टोरी बुक। चलिए राइट कीजिए, राइट इन योर कॉपी। यू हैव अ स्टोरी बुक। यू हैव अ स्टोरी बुक। You have a storybook.
चलिए अब मुझे बोलना है, सपोज कीजिए ये तो बात हो गई, मैंने मेरे लिए बता दी, अगर मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, मेरे विषय में अगर कुछ बोलना है तो कैसे बोलूंगा, अगर कोई मेरे सामने है उसके बारे में कुछ मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, ये मैंने डिस्कस कर लिया। सपोज कीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है, सपोज कीजिए कोई बॉय है या कोई गर्ल है, और अब हमें उसके विषय में बोलना है बेटा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसके पास एक पेंसिल है, उसके मतलब कोई बॉय भी हो सकता है या कोई गर्ल भी हो सकती है। अगर सपोज कीजिए कोई बॉय है तो हम क्या बोलेंगे, ही, क्या बोलेंगे, ही, और सपोज कीजिए कोई गर्ल है तो हम क्या बोलेंगे, शी, शी, क्या बोलेंगे, शी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अगर मैंने आपसे कहा कि उसके पास एक पेंसिल है तो कैसे बोलेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज अ पेंसिल, क्या बोलेंगे, ही हैज अ पेंसिल, ही हैज अ पेंसिल। चलिए कॉपी में राइट कीजिए, चलिए अगर सपोज कीजिए वो गर्ल होती, जैसे मैंने बोला उसके पास एक पेंसिल है, अगर सपोज कीजिए वो गर्ल होती तो हम लोग कैसे बोलते हैं, शी हैज अ पेंसिल। चलिए राइट कीजिए, शी हैज अ पेंसिल, शी हैज अ पेंसिल, शी हैज अ पेंसिल। आप लोगों को मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया है, कुछ और सेंटेंसेस बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे बोलना है कि राम के पास मेरी कॉपी है, राम के पास मेरी कॉपी है, हम लोग कैसे बोलेंगे, राम हैज माय कॉपी, राम हैज माय कॉपी, राम हैज माय कॉपी। राइट कीजिए, राइट इन योर कॉपी, चलिए ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, हैज के सेंटेंस देख लिया और हैव के सेंटेंस देख लिया। अब हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं सिक्स फॉर्म, कि हम लोग सिक्स फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं सेंटेंसेस को, हम सिक्स फॉर्म कैसे बोल सकते हैं सेंटेंसेस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, जस्ट अ मिनट बेटा, हम लोग जो है ना सिक्स फॉर्म देखना है हमें, जस्ट अ मिनट। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोगों में सिक्स फॉर्म कितना आता है, आलोक मिश्रा, आलोक मिश्रा सिक्स फॉर्म सेंटेंसेस आते हैं आपको? यस सर। चलिए आई हैव अ पेंसिल, इसके सिक्स फॉर्म सेंटेंस बोलिए तो। आई हैव अ पेंसिल, आई हैव नॉट अ पेंसिल, व्हाई हैव आई नॉट अ पेंसिल। आलोक के लिए सब लोग क्लैप कीजिए। चलिए एक आई हैव अ पेंसिल का सिक्स फॉर्म सब लोग अपनी कॉपी में राइट कीजिए, एवरीबॉडी राइट इन योर कॉपी।
आई हैव अ पेंसिल आई हैव नॉट अ पेंसिल एवरीबॉडी राइट आई हैव अ पेंसिल आई हैव अ पेंसिल बेटा मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको बोला सेंटेंस को सिक्स फॉर्म में राइट कीजिए तो आवाज क्यों आएगी आई हैव अ पेंसिल इससे सिक्स फॉर्म बनाइए सब लोग सिक्स फॉर्म बनाइए घर में सभी लोगों से बोल दीजिए आप लोग मम्मी पापा से जितने लोग हैं आप लोग बातें नहीं करें कोई भी आप लोगों के पेरेंट्स की आवाज आ रही है मुझे मैं रेगुलर ये बात बोलता हूँ कि आप लोग वहाँ बैठिए जहाँ पे कोई शोर नहीं होता अपने घर में पेरेंट्स को बोलिए सब लोग कि कोई भी बातें नहीं करें आपके घर से किसी के घर साइड से आवाज नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है सर कंप्लीट मैं यू हैव अ कार इससे सिक्स फॉर्म नहीं जैसे मैं देखिए एक बार मैं बोल के बताता हूँ एक बार यू हैव अ कार यू हैव नॉट हैव यू नॉट अ कार व्हाई हैव यू अ कार Why I am not a doctor. चलिए आप लोग अपनी कॉपी में राइट कीजिए सिक्स फॉर्म एवरीबडी राइट इन योर कॉपी क्या करने का यू हैव अ कार के सिक्स फॉर्म बनाना है सबको अपनी कॉपी में राइट कीजिए अरे भाई यू हैव अ कार इसको सिक्स फॉर्म में बनाना है अर्णव वर्मा कहाँ है आप यू हैव अ कार इसके सिक्स फॉर्म बनाइए आप ध्यान नहीं देते क्या क्लास में अर्णव यू हैव अ कार अ कार कार सी ए आर कार यू हैव अ कार सी ए आर कार इसके सिक्स फॉर्म बनाइए कंप्लीट माय वर्क बोलने की जरूरत नहीं है नो एनीबॉडी विल स्पीक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एओ के बाद क्या आता है आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है यस सर यू हैव अ कार क्या कर रहे हैं तो इसका सिक्स फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा
You have not a car. Negative हो गया, single interrogative क्या हो जाएगा? Have you a car? Car. Yeah. And question mark लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे आप? Car. Question mark. Single interrogative के बाद single interrogative negative. तो कैसे लिखेंगे? Have not a car. Question mark. क्या कर लिया? बेटा स्क्रीन पे चेक कीजिए, मैं राइट कर रहा हूँ. अब डबल इंटरोगेटिव आएगा. Why? You have. तुमको शर्म आती है कि बाबू मंगाते हैं बच्चों से? क्वेश्चन मार्क एंड डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा? हेलो व्हाई हैव क्वेश्चन मार्क ओके चेक कर लिया सबके सही है वेरी गुड चलिए वेरी गुड तो आज हम लोगों ने क्या देखा Has have had के sentences देखे अच्छा had का नहीं देखा चलिए अब had का sentence पढ़ते हैं had का sentence कहाँ यूज करेंगे यदि हमारे पास कोई पहले कोई चीज थी हमारे पास पहले कोई चीज थी आलोक सब अनम्यूट कर लीजिए खुद को सब खुद को अनम्यूट कीजिए सपोज कीजिए मेरे पास बहुत समय पहले कोई वस्तु थी मेरे पास बहुत जैसे मेरे पास एक स्टोरी बुक थी सपोज कीजिए मेरे पास एक स्टोरी बुक थी बट अब नहीं है तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा हेड का यूज करेंगे क्या यूज करेंगे हेड कैसे बोलेंगे आई हैड अ स्टोरी बुक कैसे बोलेंगे आई हैड अ स्टोरी बुक सपोज कीजिए मेरे पास एक रेड कार थी कैसे बोलेंगे I had a story book. I had a story book को sixth form में convert कीजिए बेटा Yes sir. कृतिका वर्मा बेटा ये टॉक क्यों हो रही बातचीत क्यों हो रही है कृतिका हाँ क्लास में बैठी है कि घर में बैठी है कल स्कूल बुला लेंगे फोन लगा के हम आपको सिट प्रॉपरली
और ये यूनिफॉर्म कहाँ है आपकी कृतिका? कल से यूनिफॉर्म पहन के बैठी है और कॉपी पेन लीजिए, फटाफट याद किए, फटाफट राइट कीजिए। कृतिका अभी भी हंसी आ रही है? चलिए, मैंने जितने सेंटेंसेस आज बताए आपको समझ में आ गया? यस सर। नमन, नमन बच्चा जो है, नमन 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 नमन, खुद को अनम्यूट कीजिए, आपसे बात करनी है। अनम्यूट कीजिए खुद को। नमन नमन, आप है ना सीरियसली बैठी है क्लास में, अंडरस्टैंड? सिट प्रॉपरली, बिल्कुल बिल्कुल हिलना नहीं है। कितना यूनिफॉर्म का है आपकी? कल से सब लोग यूनिफॉर्म में बैठी है। चलिए, आज हम लोगों ने हैज और हैड के सेंटेंसेस पढ़े और सिक्स फॉर्म में भी समझा। ओके, तो फ्रॉम टुमारो व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुमारो? How many sentences have I dictated today in the classroom? You have to convert all the sentences in sixth form. Okay? Tomorrow we will start with a new topic. Okay? And earlier you purchased all book material. Otherwise, if suppose the courses will be start, then you may be late to complete your syllabus. Okay? So purchase your book as early as soon. We are just holding 1 or 2 days or 3 days not to continue with your syllabus. If we started your books, then we will not stop. So, I am once again telling you all to get your book soon available with you all. Understand? So, from tomorrow again, we will be continuing to your class. So, what is the homework for tomorrow? You have to convert all the sentences in sixth form what I have dictated today. Okay? और कल से सब लोग इयरफोन का यूज कीजिए। सिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, कहाँ रहते हैं बेटा? कितनी बार मैंने बोला? हाँ, ओके, बाय 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 सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर।